हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आरपी पब्लिक स्कूल सीबीगंज जोगी ठेर बरेली से। आज हम चर्चा करेंगे आईयूपीएसी के विषय में। आईयूपीएसी इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन कहा जाता है। इसमें जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण किया जाता है। जैसे कुछ उदाहरणों के साथ देखते हैं। सबसे पहला लेते हैं एल्केन। एल्केन इनका जो जनरल फार्मूला होता है उसे हम CnS2n+2 से डिनोट करते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो तीन चीज़ें हैं प्रीफिक्स, दूसरी है वर्ड रूट और लास्ट है सफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो किसी शब्द के पहले यूज किए जाते हैं। वर्ड रूट कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है और जो सफिक्स है वो उस कार्बनिक यौगिक के फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। वर्ड रूट कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इनमें कैसे क्या होते हैं? कार्बन वन C1 इसे हम मेथ से रिप्रेजेंट करते हैं। C2 इसे एथ लिखा जाता है। C3 इसे प्रोप लिखते हैं। C4 इसे ब्यूट लिखा जाता है। C5 इसे पेंट लिखा जाता है। C6 इसे हेक्स लिखा जाता है। यहाँ पर जो एल्केन है इनका हम IUPAC लिखने जा रहे हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सी, इनका जो नेम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एल्क प्लस एन इक्वस टू एल्केन। सी पहला है सी बॉन्डेच इसे हम CH4 भी लिख सकते हैं। एक और देखते हैं सी बॉन्ड सी, इन दोनों कार्बन को हाइड्रोजन से बैलेंस करते हैं। इसे C2H6 भी लिखा जा सकता है। थर्ड इसी तरह से C बॉन्ड C इन कार्बन को हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेते हैं। इसे C3H
एट लिखा जाएगा। एक और कर लेते हैं, सी बॉन्ड सी 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 एक और सी। हाइड्रोजन से इन कार्बन्स को बैलेंस कर लेते हैं, इसे लिखेंगे कार्बन की इसमें संख्या 1 2 3 4 5 सी फाइव एच 12। अब इनके आईयूपीएससी नेम लिखते हैं, यहां पर कार्बन की संख्या है एक, इसको एक को हम बोलते हैं मेथ, तो इसका जो नेम लिखा जाएगा सबसे पहले कार्बन का नेम मेथ, इसका इसके बाद सफिक्स लिखना है जो कि एन होता है एन, और जब इसको जोड़ करके लिखेंगे तो पूरा नेम आएगा मीथेन। इसी तरह से यहां पर कार्बन की संख्या दो है, दो कार्बन के लिए एथ बोला जाता है एथ, इसका जो सफिक्स है वो एन रहेगा, नेम हो जाएगा इसका एथेन। इसी तरह से इस थर्ड वाले को देखेंगे, कार्बन की संख्या यहां पर तीन है और तीन को लिखा जाता है प्रोप, तो इसका नेम होगा प्रोप प्लस इसका सफिक्स लिखा जाता है एन, नेम हो गया इसका पूरा प्रोपेन। चौथे वाले को देखते हैं, इसमें कार्बन की संख्या है पांच, पांच कार्बन के लिए पेंट बोला जाता है और इसका सफिक्स है वो होता है एन, तो इसका पूरा फुल नाम हो जाएगा पेंटेन। इस तरह से ये एल्केन का हम आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, है अगला हम नेम लिखते हैं एल्कीनों का, एल्कीन। इसमें जो सफिक्स एल्कीन्स का लिखा जाता है वो नेम होता है ईन, इसका सफिक्स लिखा जाएगा ईन। इनका जो नेम लिखने का मेथड है उसमें सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में सफिक्स जोड़ेंगे, तो ये लिखा जाता है एल्क प्लस ईन और फुल नेम होगा इसका एल्कीन। एग्जाम्पल्स से देखते हैं इसको, सबसे पहला है सी डबल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन और कार्बन दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होते हैं, जुड़े रहते हैं, इनकी संयोजकता को हाइड्रोजन से संयोजित कर लेते हैं, इसे हम जनरल लिख सकते हैं C2H4। एक और एग्जांपल लेते हैं, C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इनकी संयोजकता को हाइड्रोजन से संयोजित किया, वन ओनली वन, इसे लिख सकते हैं C3H6, सी डबल बॉन्ड सी सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। हाइड्रोजन से सभी कार्बन की संयोजकता संतुलित की, एक और सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन से संयोजकता को
इसको C4H8 भी लिखा जा सकता है, इसे भी C4H8 लिख सकते हैं। इनका IUPAC जब नेम लिखेंगे तो यहाँ पर कार्बन की जो संख्या है वो है 2। 2 के लिए सबसे पहले लिखा जाता है एथ प्लस, इनका जो सफिक्स है वो ईन होता है तो ईन लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एथीन, फुल नेम हो गया इसका एथीन। ऐसे ही इसका नेम लिखेंगे तो ये है 3 कार्बन, और 3 कार्बन को बोला जाता है प्रोप प्लस इसका सफिक्स ईन होता है, फुल नेम इसका हो गया प्रोपीन। ऐसे ही इसका नाम देखेंगे, ये कार्बन की संख्या है 4, 4 को बोला जाता है ब्यूट प्लस सफिक्स इसका ईन, फुल नेम हो गया ब्यूटीन। इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए हम ब्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये भी एल्कीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इसमें, इसमें भी ईन लिखा जाएगा और ये भी ब्यूटीन ही है, ब्यूटीन। फिर अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये बिल्कुल किनारे पर है, कार्बन जो बिल्कुल किनारे वाला कार्बन है इससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले इस संरचना में देखें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पर है, इधर से गिनेंगे तो ये दूसरा कार्बन, इधर से गिनेंगे तब भी ये दूसरा कार्बन, तब हमें ऐसे जो नाम लिखने होते हैं इसमें डबल बॉन्ड की संख्या भी, डबल बॉन्ड का स्थान भी प्रदर्शित करना होता है। ये दूसरे कार्बन पर है तब हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि ये दूसरे कार्बन पर ईन यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तब इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूट टू ईन, फुल नेम हो गया इसका ब्यूट टू ईन। अगर इसमें भी हम दिखाना चाहें तो ब्यूट वन ईन लिख सकते हैं, लेकिन ये पहले ही स्थान पर है, पहले स्थान अंडरस्टूड होता है, उसे छोड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।